टाइम एंड वर्क टॉपिक को पढ़ते हुए हमें मेनली इसमें स्पीड डेवलप करने का प्रयास करना है। हमें इसमें प्रयास करना है कि हम लोग इसमें कुछ ऐसे तरीके सीखें, कुछ ऐसी तरकीबें सीखें जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्दी करना सीख सकें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो भी मैं आपके साथ मेथड डिस्कस करूंगा उसका मेन उद्देश्य ये होगा कि हम लोग अपनी स्पीड डेवलप करें इस टॉपिक में। ठीक है, मेन उद्देश्य ये होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कराने के साथ साथ इस पे मैं शायद 3 क्लासेस लूँगा। ठीक है, 3 क्लासेस लूँगा जिसमें कि हम लोग टाइम एंड वर्क को हर एंगल से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो आप इस पे अपने डाउट्स भी मुझे इस बीच में भेज सकते हैं। 9319666162। ठीक है, तो अभी के बाद जो 2 और क्लासेस मैं लूँगा, ठीक है, इसमें अगर तुम इस टॉपिक के कुछ डाउट्स भी भेजना चाहते हो तो तुम सिर्फ फोटो क्लिक करके इस पे भेज देना, मैं उसको क्लास में डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो आओ चलो इन बातों के साथ हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस। टाइम एंड वर्क में जो सबसे पहली बेसिक जानकारी है हमारे पास, राइट, कैन आई आस्क वन थिंग? हाँ, पूछ सकते हो बेटा, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो इसमें टाइम एंड वर्क में सबसे पहली और सबसे बेसिक बात जो हमें समझनी है कि जो हमारे पास वर्क है यानी कि कार्य है वो 4 चीज़ों पे निर्भर करता है। 4 चीज़ों पे, ठीक है, किस पे निर्भर करता है? कितने लोग काम कर रहे हैं, एंड मैं किसको बोल रहा हूँ, कितने लोग काम कर रहे हैं, कुल कितने लोग हैं। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, उसके बाद और किस पे डिपेंड करेगा, रोज कितने घंटे काम हो रहा है और उनकी कार्य क्षमता कितनी है, राइट, व्हाट इज देयर वर्किंग एफिशिएंसी। काम जो है वो 4 चीज़ों पे निर्भर करेगा, कितने लोग काम कर रहे हैं, एन इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, डी इज द टोटल नंबर ऑफ डेज, एच इज द नंबर ऑफ आवर्स जो प्रतिदिन काम हो रहा है, और ई क्या है उसकी एफिशिएंसी। ये कौन सा साइन होता है भाई, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा छोटे क्लास में, ये दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा दिन तक काम होगा तो भी ज्यादा काम होगा, रोज ज्यादा घंटे काम हो रहा है तो भी ज्यादा काम होगा, और अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कार्य क्षमता ज्यादा है, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो भी ज्यादा काम होगा। तो इस तरीके से काम जो है वो मेनली इन 4 चीजों पर निर्भर करता है। आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क है या कोई भी चीज़ अगर प्रोपोर्शनल है तो हम लोग उस प्रोपोर्शनैलिटी को, राइट, इक्वल टू से रिप्लेस कर सकते हैं। NHDE, इसको हम लोग इक्वल टू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के जगह पे इक्वल टू लगाता हूँ तो एक हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ता है। मान लेते हैं इस केस में हमारे पास ये कितना है, K है। ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास समझ में आती है कि ये जो वर्क बटे NHDE है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये जो अनुपात है आपका ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहीं से अब ये सब देखो बेसिक जानकारी थी जो मैंने तुम्हें बताई। अब मैं सीधे सीधे बात करूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या पता होना चाहिए, सीधा सीधा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें क्या एप्लीकेशन है। तो W1 बटे N1 H1 D1 E1, ये जो अनुपात है क्योंकि कांस्टेंट है तो अगर नेचर ऑफ वर्क सिमिलर है और वैसे ही लोग काम कर रहे हैं तो हम इस तरीके से इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बेसिक बात जो आपके कॉपी में आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक जानकारी आप तक है। ठीक है, वर्क बटे नंबर ऑफ लोग, कुल कितने घंटे रोज काम हो रहा है, कितने दिन तक काम हो रहा है, उनकी कार्य क्षमता कितनी है। कई ऐसे सवाल आप देखेंगे जिसमें एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं करते हैं, राइट, वहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आप ये मान लेंगे कि उनकी एफिशिएंसी बराबर है। ठीक है, अगर उनकी एफिशिएंसी बराबर है तो आप क्या करेंगे, उसको काट देंगे। इधर भी कुछ पुरुष काम कर रहे हैं, इधर भी कुछ पुरुष काम कर रहे हैं, तो आप क्या मान लेंगे, अगर एफिशिएंसी के बारे में कोई बात नहीं की गई, उनकी कार्य क्षमता के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो आप उसको क्या लेंगे, बराबर मान लेंगे, और फिर दोनों तरफ वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है,
मान लीजिए एक तरफ कुछ महिलाएं हैं, एक तरफ कुछ पुरुष हैं, तो आप एफिशिएंसी को बराबर नहीं मान सकते हैं। ये बात भी यहीं पे समझने वाली है, ठीक है। अभी सवाल जब करेंगे तो इसमें हम और डिटेल में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, बट अभी फिलहाल इस फॉर्मूले में क्या क्या बारीकियां हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उसकी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ लोगों की बात होगी और कितने दिन में कार्य संपन्न हो रहा है इसकी बात होगी, मतलब कितने घंटे काम हो रहे हैं इसकी जानकारी आपको नहीं दे रखी होगी, तो आप क्या मानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो दोनों तरफ काम हो रहा है वो बराबर है, और इसलिए वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये विद दिस बेसिक इंफॉर्मेशन आइए एक सवाल देखते हैं, आइए हम इस पे एक बेसिक सा सवाल देखते हैं, क्या हमारे पास सवाल है और क्या इससे करना संभव है। बहुत ही आसान सा सवाल है। एक गैस स्टेशन में 80 लोग 20,000 टायर्स में 84 दिन में हवा भरते हैं, राइट, फिल एयर 20,000 टायर्स में, तो कितना काम है ये दे रखा है, कितने लोग हैं ये दे रखा है, राइट, कितने लोग हैं और कितने दिन हैं ये दे रखा है। इन्होंने बोला कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें 30,000 टायर्स को फिल करना है 63 दिनों में, तो क्या यहाँ पे हम डायरेक्टली जो अभी हमने सीखा क्या उसका हमें प्रयोग कर लेना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे H1 H2 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, E1 E2 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो बिना किसी टेंशन के आप इसका प्रयोग करेंगे और सीधा सीधा आपका आंसर आएगा। W1 यानी पहला कार्य क्या था बेटा, 20,000 टायर में हवा बढ़ने का, कितने लोग थे, 80 लोग थे, कितने दिन के लिए, 84 दिन के लिए, इधर कितने लोग हैं, कितना कार्य है आपके पास 30,000 का, कितने लोग हैं आपके पास, यही तो निकालना है, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 63। देखिए किसी का माइक ऑन है, गोपाल मंडल माइक अपना ऑफ रखो बेटा, ओके। यहाँ हमने ये कैलकुलेशन की और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम इसमें और भी कुछ चीज़ें कैंसिल हो ही सकती हैं आसानी से, चलो कर लेते हैं, जैसे ये 21 से चला जाएगा, 21 × 4 ये भी चला जाएगा, ये भी तुम्हारे पास 2 से चला जाएगा, तो देखो सब कुछ कैंसिल हो गया, N2 तुम्हारे पास कितना बचा, 80 × 2 यानी कि 160, यानी कुल हमें कितने लोग चाहिए होंगे इस कार्य को संपन्न करने के लिए दिए हुए समय में, तो 160 लोग चाहिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आसानी से आप इस बात को समझते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, राइट, जो अभी अभी आपने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। एक और चीज़ जो तुमने अभी सीखा उसको एक बार मैं यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहूँगा, ठीक है। देखो कलर चेंज कर देता हूँ, क्लास नोट्स तुम्हारे पास रोज़ पहुँच रहे हैं तो कलर चेंज कर देता हूँ। तुमने अभी पढ़ा था कि W बराबर K NHDE पढ़ा था, ठीक है। K हमेशा एक कॉन्स्टेंट होता है, इसका मान फिक्स होता है। इस पार्टिकुलर केस में के का मान कितना होता है, इस केस में के का मान 1 होता है, यानी ये वाला फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, W बराबर NHDE, ठीक है। अगर लोग भी दे रखे हैं, कितने घंटे रोज काम हो रखा है ये भी दे रखा है, उसकी कितने दिनों तक काम हुआ और उनकी कार्य क्षमता कितनी है, सब कुछ अगर गिवन है तब तो ये फॉर्मूला यूज होगा। और अगर इसमें से कुछ कम दे रखा है, जैसे कि मान लो एफिशिएंसी के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो तुम क्या ले लोगे कि नंबर ऑफ लोग कितने हैं, कितने घंटे काम हुआ और कितने दिन काम हुआ, या फिर हो सकता है अक्सर ज्यादातर सवाल में क्या दिया होता है कि कितने लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं, ज्यादातर सवाल में आप देखेंगे इसकी जानकारी ज्यादा होती है सवालों में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें से फॉर्मूला पिक करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि क्या जानकारी किस सवाल में दे रखी है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवालों का स्तर बढ़ता चला जाएगा एज यूजुअल, ठीक है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो इसीलिए आओ देखते चलते हैं। ये बेसिक पहला क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किसी आर्मी कैंप में प्रोविजंस हैं, प्रोविजन यानी व्यवस्था, कितने दिनों के लिए, 52 दिनों की व्यवस्था है किसी आर्मी कैंप में, ठीक है, ओके। 17 दिनों के बाद 300 नए लोगों ने कैंप को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 17 दिनों के बाद, तो जो बचा हुआ प्रोविजन था, रिमेनिंग प्रोविजन, वो अगले 21 दिन में ही समाप्त हो गया, जबकि 21 और 17 अगर हम देखें तो 38 दिन, यानी कि जो टोटल 52 दिन चलता अब 38 दिन में ही समाप्त हो रहा है, क्यों, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा आ गए ना, तो खाने पीने की व्यवस्था ज़्यादा आवश्यकता बढ़ गई, पर डे जो लोगों की आवश्यकता थी वो बढ़ गई, ठीक है। हाउ मेनी रिक्रूट्स आर देयर इन द कैंप, तो कैंप में कितने लोग हैं ये हमें बताना है।
तो ठीक है, इस तरह के सवाल को कैसे करोगे? देखो अभी अभी तुमने पढ़ा कि वर्क को हम लोग तीन प्रकार से फॉर्मूले हमने देखे थे, राइट? कितने लोग हैं, कितने दिन, मैंने कहा भी था सबसे ज्यादा इसी तरह के सवाल हमें मिलते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी के बारे में कोई बात नहीं की, ऐसा नहीं बोला गया कि जो लोग बाद में आ रहे हैं वो ज्यादा खा रहे हैं, दो गुना खा रहे हैं, तीन गुना खा रहे हैं, ऐसा भी संभव है, राइट? अगर सवाल का डिफिकल्टी लेवल हम लोग इंक्रीज कर दें तो वो भी संभव है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम वहाँ पे एफिशिएंसी को भी ले आएंगे। बट यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो हम ये क्या मानेंगे कि वो लोग इक्वल खा रहे हैं, उनकी कंजम्पशन रोज की बराबर है, ठीक है, सभी कंजम्पशन बराबर है। तो यहाँ इस सवाल में जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमारे पास जैसे यहाँ पे वर्क क्या है, रिसोर्सेज को कंज्यूम करना, हमारे पास वर्क क्या है, रिसोर्सेज को कंज्यूम करना। तो मान लो मैं इनिशियल, राइट, इनिशियल रिसोर्स हमारे पास जो 52 दिनों का है, कितने लोग हैं पता नहीं, मान लो n लोग हैं, ठीक है, कितने दिनों की हमारे पास खाना पानी था, 52 दिनों का, यानी जो इनिशियल रिसोर्स है क्या मैं इसको 52n से इक्वेट कर सकता हूँ? हाँ, 17 दिन तक ये लोग खाए पिए होंगे, कितने लोग, वही n लोग जो थे। तो अगर मैं 17n जो हमारे पास काम हो चुका है, राइट, इसको अगर मैं घटा दूं तो कितना बचेगा भाई, 12 में से 7 गया तो हो गया हमारे पास 5, और 4 में से 4 नहीं 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो हमारे पास हो गया 3, यानी 35n ये हमारे पास बचा हुआ रिसोर्स है। ये जो बचा हुआ रिसोर्स है ये अगले 21 दिन में समाप्त हो गया, तो ये किससे इक्वेट करेंगे, नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ पीपल, कितने दिन और कितने लोग, तो लोग कितने हो गए, पहले n थे अब 300 लोग और आ गए, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसको हम n का मान निकाल पाएंगे क्या, मेरे ख्याल से हाँ, 7 × 21, 7 × 5 = 35, यानी बाएं तरफ आपके पास आ गया 5n, दाएं तरफ आ गया 3n प्लस 900, ठीक है। अगर n को एक तरफ आप ले आओ तो ये 2n का मान 900 हो गया, तो बच्चों n का मान कितना हो गया, 450, यानी कैंप में शुरुआत में हमारे पास कितने लोग थे, 450, ठीक है, ये इसका जवाब होना चाहिए। मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, मेरे समझ में ये आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और स्पीड डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेगा ये, ठीक है। जैसे देखो ये मैंने एक दीवार बना के रखी हुई है पहले से, ठीक है, मान लो 3 लोग हैं, राइट, एक का नाम बोल दो ए, ए जो है इस दीवार को अगर अकेले बनाता है तो वो 10 दिनों में बनाता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर से होंगे जो इस टॉपिक को पहले पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो तुम अभी सीखने जा रहे हो इस स्लाइड में, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पाइप और सिस्टर्न यानी कि नल एवं टंकी वाले सवालों में भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सीखेंगे। ए हमारे पास किसी कार्य को, मान लीजिए दीवार को, अकेले कितने दिनों में बनाता है, 10 दिनों में बनाता है। बी अगर इसी दीवार को अकेले बनाता है तो मान लो 15 दिनों में बनाता है, ठीक है भाई, 15 दिनों में बनाता है। और सी इस दीवार को अगर अकेले तोड़ता है, ये नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 20 दिन में अकेले तोड़ देता है, ठीक है। ये जानकारी हमें, बेसिक जानकारी दे रखी है। अब इसमें अलग अलग कंडीशनल सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे सबसे पहला और सबसे आसान सवाल क्या हो सकता है कि ए बी सी तीनों अगर अपना अपना कार्य इकट्ठे कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, तो बताइए ये कार्य कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा, ये दीवार बनाने का काम है इसको कुल कितना समय लगेगा, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क। तो हम लोग सबसे जो बेसिक तरीका होता है, राइट, इसको मैं बोलूंगा मेथड नंबर 1, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ फ्रैक्शन मेथड, ठीक है बच्चों, दिस कॉल्ड फ्रैक्शन मेथड। ए अगर 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में 1/10 करेगा, बी एक दिन में 1/15 करेगा, और सी क्योंकि नेगेटिव काम कर रहा है तो मैं इसको -1/20 लिखना चाहूंगा, ठीक है। एक दिन का काम, तीनों को हमने, तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो हमने तीनों को जोड़ दिया, देखते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा 60 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया, यानी कि एक दिन में 7/60 काम हो रहा है। फ्रैक्शन मेथड में जो भी हमारा वन डे वर्क होता है उसका रेसिप्रोकल, उसका ठीक विपरीत टोटल टाइम होता है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे बताना है
कि हमारा टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल टाइम हमारे पास 60/7 दिन लग रहे हैं। ठीक है, आप अगर इसको और थोड़ा अच्छा करना चाहें तो आप 8 सही 7/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 7 56 और 4 बच जाएगा तुम्हारे पास शेष में, तो 8 सही 4/7 दिन भी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये होता है, ये इसका बड़ा साधारण सा जनरल सा मेथड था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक और मेथड होता है इस तरह के सवालों का, जिसको मैं बोलूंगा मेथड नंबर 2। ठीक है, इसका नाम बोलेंगे यूनिट मेथड। ठीक है, इसका नाम क्या बोलेंगे, यूनिट मेथड। ओके, तो देखिए ये यूनिट मेथड में क्या है, यूनिट मेथड में हम लोग टोटल वर्क को अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। मान लो जैसे मान लिया कि टोटल वर्क 100 यूनिट का है, 100 यूनिट का है तो भैया ये 10 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट। ये 15 दिन में कर रहा है तो ये कितना कर रहा है, 100/15। और ये कितना कर रहा है, 100/20। 100/10, 100/20 में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 100/15 में चीज़ें फ्रैक्शन में जा रही है, टेंशन वहाँ भी नहीं है, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और क्योंकि टोटल वर्क में हमारे पास पूरी लिबर्टी है, पूरी छूट है, हम कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप टोटल वर्क को हमेशा ल स प लीजिए, क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। इन तीनों संख्याओं का जो इसका इंडिविजुअल टाइम दे रखा है, अलग अलग कार्य क्षमता दे रखी है, कितने समय में कौन कितना कार्य कर रहा है ये दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप हमेशा इन तीनों का ल स प ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के आप मान लेंगे कि भैया टोटल हमारे पास काम कितना है, 60 यूनिट का। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे अगर ये 10 दिन में कर रहा है तो भैया ये कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। ये कितना काम करेगा, 60/15 यानी कि 4 यूनिट काम करेगा। और ये 60/20 यानी कि -3 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ये निगेटिव काम कर रहा है। ठीक है, जब ये चारों लोग इकट्ठे काम करते हैं तो 6, 4 और -3 यानी कि टोटल 7 यूनिट का काम प्रतिदिन होगा। अगर 7 यूनिट का काम प्रतिदिन होगा तो बताओ टोटल समय कितना लगेगा, तो टोटल वर्क बटे वन डे वर्क है ना। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल टाइम की बात करूँ तो टोटल टाइम में क्या लिखूंगा, टोटल वर्क बटे वन डे वर्क, यानी इतना इतने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। आंसर हमेशा दोनों ही केस में सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आखिर हमने ये दो मेथड सीखे क्यों, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आखिर हमने ये दो मेथड सीखे क्यों, और किस तरह के सवाल में हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सुनो बहुत काम से, बहुत ध्यान से और बहुत काम की बात सुनो। आप ये मेरा ये सजेशन है, राइट, दोनों ही मेथड से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बट आप अक्सर देखोगे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहां सबका इंडिपेंडेंट टाइम दे रखा होता है, सबका, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका इंडिपेंडेंट टाइम दे रखा होता है। तो मेरा ये सजेशन है, इस तरह के सवालों में आपको यूनिट मेथड का प्रयोग करना चाहिए, ये आपको आंसर तक जल्दी पहुंचाएगा। मैंने पहले ही कहा था ये टॉपिक बड़ा आसान है, इतना आसान भी नहीं है, अभी आपको अच्छे सवाल में दिखाऊंगा आपको, राइट। तो आप, मेन मुद्दा ये है कि कौन इसको कितना जल्दी कर ले जाता है, कितना फास्टली तुम करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जब कभी भी सबका इंडिपेंडेंट टाइम दे रखा है तो किस मेथड का प्रयोग करोगे, यूनिट मेथड का प्रयोग करोगे। अगर एक या एक से अधिक लोगों का आपको इंडिपेंडेंट टाइम नहीं दे रखा है तो वहां पे आप मेथड नंबर 2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, मेथड नंबर 2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहां मैं बोल रहा हूँ जरूर से करोगे, और यहां मैं बोल रहा हूँ कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कई बार जब इंडिपेंडेंट टाइम नहीं भी दिया होता है तब भी यूनिट मेथड कारगर होता है। अब ये चीज कैसे क्लियर होगी कि कब करें, कब मेथड नंबर 1 प्रेफर करें, कब ना करें, भाई थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ये हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ इस तरह के सवाल में जल्दी आंसर यूनिट मेथड से निकलेगा, इस तरह के सवाल में फ्रैक्शन मेथड से निकलेगा। तो जब इंडिपेंडेंट टाइम दे रखा है तो कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा यूनिट मेथड हमें यूज करना है, मेथड नंबर 2 यूज कर लेना है। और जब इंडिपेंडेंट टाइम नहीं दे रखा है तो उस केस में थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इस बात को सब आंसर दोनों से निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस हमें क्या देखना है, हमें तो आंसर जल्दी निकालना है, मेन मुद्दा ये है। ठीक है बच्चों, आओ जरा सवाल देखेंगे, देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे हमारे पास किस तरह के सवाल हैं। जैसे सपोज करो इसी पे एक सवाल क्रिएट करते हैं, राइट, इसी पे एक सवाल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब यही काम है, बेसिक जानकारी यही दे रखी है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को अकेले 15 दिन में करता है, और सी उसका नेगेटिव काम करता है, रोज 20 दिन में कर देता है। ठीक है, अब काम करने का तरीका सिर्फ बदल जाता है, सवाल में तुम्हें यही बदलाव दिखेगा। मान लो जब पहले दिन काम हुआ, पहले दिन जब काम हुआ तो ये लोग अब पेयर में काम करते हैं, पहले दिन ए और बी ने काम किया, ठीक है,
दूसरे दिन बी और सी ने काम किया, तीसरे दिन सी और ए ने काम किया, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से ये लोग दो दो करके काम करते चले गए जब तक कि काम समाप्त नहीं हो गया, यानी कि ए बी बी सी सी ए, इसी ऑर्डर में ये लोग काम करते चले गए जब तक कि काम समाप्त नहीं हो गया। सवाल ये है कि बताइए व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क एंड हु आर वर्किंग ऑन द लास्ट डे, यानी कुल कितना समय लगा, ठीक है, कुल कितना समय लगा इस कार्य को समाप्त करने में और कौन से दो लोग काम कर रहे थे, ठीक है, आखिरी दिन पे जब काम समाप्त हुआ तो आखिरी दिन पे कौन से दो लोग काम कर रहे थे, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो गया, राइट, हमने एक बेसिक सवाल पहले किया, कॉन्सेप्ट्स को समझा, अब हमने सवाल में थोड़ा सा बदलाव करके सवाल को थोड़ा बेहतर बना दिया, एग्जाम लेवल पे हम उसको ले जाने का प्रयास करेंगे। आओ चलो देखते हैं आखिर कैसे करें, ठीक है। कलर चेंज कर रहा हूँ फॉन्ट का ताकि जब नोट्स आप तक पहुँचे तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे सॉल्व करूँगा, बहुत प्यार से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है। मैंने तुम्हें एडवाइस क्या दिया था, बेसिक मैंने कैलकुलेशन पे कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, मैं हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एज यूजुअल मैं यहाँ पे अगर समझूँ कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास है कि टाइम कितना लगेगा, तो यार टोटल वर्क तो अभी भी हमारा 60 यूनिट है, राइट, टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट टाइम दे रखा है। तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, मेथड नंबर 2 यूज़ करूँगा। ए और बी जब काम करेंगे तो 6, 4, 10 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। बी और सी जब काम करेंगे तो 4 और -3 एक यूनिट काम करेगा एक दिन में, और सी और ए जब काम करेंगे तो 4 और -3 6 और -3 यानी कि +3 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बात आप सभी को समझ में आती है। काम कब समाप्त होगा, जब हम 60 यूनिट का काम कर लेंगे तभी समाप्त होगा। अब हर तीन दिन में क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 और 1 और 3 14 यूनिट काम होगा, हाँ या ना, ठीक है। हर तीन दिन में हमारे पास 14 यूनिट काम होगा। काम कब समाप्त होगा, जब हम लोग 60 यूनिट काम समाप्त कर लेंगे तब। तो इस तरह के सवालों को करने का फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट तरीका जो मुझे आता है वो क्या आता है कि 14 × 4 जो 60 का सबसे पास में गुणनफल है, 14 का, राइट, 60 के पास वो कौन सा है, 14 × 4 56, यानी ऐसे ऐसे 4 सेट करेंगे तब 56 यूनिट काम होंगे। ऐसे ऐसे जब हम लोग 4 सेट करेंगे तब हमारे पास 56 यूनिट काम होंगे। तो अब समझने की जरूरत है, एक सेट में 3 दिन थे तो 4 सेट में क्या 12 दिन हो गए, हाँ या ना, बोलो। 12 दिनों में तुमने कितना काम कर लिया बच्चों, 56 यूनिट का काम कर लिया। 13वें दिन पे बारी किसकी है, 13वें दिन पे ए बी की बारी है जो 10 यूनिट काम कर सकता है। करना कितना है, सिर्फ 4 यूनिट, तो कितना समय लगेगा, 4/10, दैट्स ऑल। व्हाट इज द टोटल टाइम, 12 दिन ये और 4/10 ये, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, 12/2/5, राइट, दिस इज द टोटल टाइम। एंड हु आर वर्किंग ऑन द लास्ट डे, सर्टेनली ए एंड बी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना संभव था। देवेंद्र का आंसर बिल्कुल सही है, 12/2/5, वेल डन देवेंद्र, राइट। और नेहा थोड़ा गलत है, और देवेंद्र पहले तुमने गलत कर दिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्रयास कर रहे हो ये जरूरी है, और प्रयास के बाद अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो वही मजेदार बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइक, एक दो क्वेश्चन और हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे इसी क्लास में। ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 डेज, अंग्रेजी हिंदी कोई समस्या नहीं होती है बेटा, ये तुम भी समझते हो इसका मतलब क्या है। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ए और बी ने इकट्ठे काम करना शुरू किया, ठीक है, दे वर्क टुगेदर। ए लीव्स द वर्क 10 डेज बिफोर कंप्लीशन, काम खत्म होने से 10 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया। बताओ हाउ मेनी डेज द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, कुल काम कितने दिनों में होगा ये हमें बताना है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, बहुत आराम से देखना कितने जल्दी से तुम्हारा आंसर आ सकता है। ये है 20 और ये है 30, इसका एलसीएम कितना हो गया भाई, 60, यानी कि 3 यूनिट काम ये करेगा और 2 यूनिट काम ये करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। दोनों ने इकट्ठे काम शुरू किया, स्टार्ट, ठीक है, और ये रहा एंड। तो एंड से 10 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया, ए चला गया तो कौन रहा, बी रहा। अब देखो बी रहा, हर रोज बी कितना काम करेगा, 2 यूनिट, यानी 10 दिन में कितना काम करेगा, 20 यूनिट। 60 में से 20 यूनिट काम लास्ट में हुआ तो बचा हुआ 40 यूनिट काम तो स्टार्टिंग में हुआ ना, और रोज स्टार्टिंग में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट के हिसाब से, राइट,
तो 5 मिनट के हिसाब से कितने दिन में स्टार्टिंग में काम हुआ होगा? 8 दिन। तो टोटल कितने दिन लगे बेटा? 10 दिन इधर और 8 दिन इधर। आंसर 18 दिन। बताओ क्या मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? किसी का आंसर बी आ रहा है, नेहा गलत है ना? देवेंद्र सही है, 18 डेज बिल्कुल सही है, शाबाश। ओके, तो टोटल टाइम बताना है ना बेटा? ओके, टोटल टाइम बताना है, बचा हुआ टाइम नहीं, स्टार्टिंग का टाइम नहीं, टोटल टाइम। हमेशा जब भी बोल रहे हैं व्हाट इज द टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो टोटल टाइम आप हमेशा बताओगे, ठीक है? या कभी बोलते कि रिमेनिंग वर्क के लिए कितना है, तो आप बता दें भाई रिमेनिंग वर्क के लिए कितना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जिसके बारे में हमें अच्छी नॉलेज है, जैसे कि बी के बारे में, लास्ट के 10 दिन में बी काम कर रहा है, तो हमने सबसे पहले वो निकाला, हमने स्टार्टिंग से कैलकुलेट नहीं किया। कभी तुम्हें स्टार्टिंग का दे देंगे, कभी लास्ट का दे देंगे, ध्यान रखना। तो जिसके बारे में तुम्हें पक्की इन्फॉर्मेशन है पहले वो निकाल लो, ठीक है? रोहित जरा स्क्रीन से दूर रहो भाई, ठीक है? अपने स्क्रीन को टच मत करो, अननेसेसरली दिक्कत होती है। ओके, तो आपने जो है ये देखा कि हमारे पास इस प्रकार से बी जो है वो 10 दिन में कितना काम कर गया? 20 यूनिट काम कर गया। 60 यूनिट काम करना था, 20 यूनिट हो गया, तो बचा 40 यूनिट। ये 40 यूनिट तो ए और बी मिलके ही करेंगे, मिलके कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। तो 40/5, 8 यूनिट। टोटल टाइम कितना लगा? 10 दिन इधर, 8 दिन इधर, यानी कि 18 दिन में काम समाप्त हो गया, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करोगे? बहुत रिलैक्स होकर के, पी और क्यू। मैं इस सवाल को तुम्हें 3 तरीके से बता सकता हूँ। दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं, ठीक है? इंडिविजुअली नहीं दे रखा है इस बार इंडिविजुअल टाइम नहीं दे रखा है। क्यू और आर दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? और लास्ट में पी और आर, ये है पी, ठीक है भाई? ये है पी। पी और आर जो है ये दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं, ठीक है? तो पूछा गया बताइए कि इनको इंडिविजुअल कितना कितना समय लगेगा। मैं अगर इस सवाल को करूंगा तो मैं पता है कैसे करूंगा? मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा कि सबसे ज्यादा समय इसको लग रहा है, ठीक है? बीच का समय इसको लग रहा है और सबसे कम समय इसको लग रहा है, ठीक है? पी और आर को सबसे कम समय लग रहा है। जिसको सबसे कम समय लग रहा है मैं उसको फास्टेस्ट रखना चाहूंगा। क्या रखना चाहूंगा? फास्टेस्ट, ठीक है? अच्छा, आर जिसमें भी है वो कम समय ले रहा है, यानी इन दोनों में से सबसे ज्यादा फास्ट कौन होगा? आर, यानी आर सबसे कम समय लेगा। आर सबसे कम कहाँ कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे दिखता है, इसमें नहीं दिखता है। ध्यान से देखो करने का तरीका, मैं तुम्हें और तरीके से भी सॉल्व करके बता सकता हूँ, ठीक है? तो ये बात तो तय है कि आंसर ए और डी में से कोई एक होगा। अब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि पी और क्यू में से ज्यादा फास्ट कौन सा है, तो ठीक है ना? पी और क्यू में से ज्यादा फास्ट कौन सा है, आओ देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, P और Q में से ज्यादा फास्ट कौन सा है, कैसे देखा जाए भाई? P और Q में से, चलो ये दिख गया, ये देखो Q और R जब कर रहे हैं तो 15 दिन में कर रहे हैं, और P और R जब कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं, यानी ज्यादा फास्ट कौन है? P ज्यादा फास्ट है, क्योंकि R के कॉम्बिनेशन में ही हो रहा है। तो P जो है वो कम समय लेगा, P कम समय लेगा भैया, तो आंसर क्या दोगे बताओ? आंसर तो मैं ए ऑप्शन ही दूंगा। ध्यान से देखो, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, हमने सीधा सीधा क्या किया, हमने एक रिलेटिव स्पीड पे फोकस किया कि भाई कौन कितने गति से काम कर रहा है। बात समझ रहे हो? अभी मैंने कोई मेथड नहीं बताया, ना मेथड नंबर 1 ना मेथड नंबर 2, हमने स्ट्रेट अवे कर डाला, ठीक है? एक तरीका तो ये भी हो सकता है सवाल को करने का, और दूसरा तरीका तो भाई तुम्हें पता ही है, एलसीएम ले डालो। जैसे ये हमारे पास इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हमारे पास 60 यूनिट हो गया, यानी टोटल काम 60 यूनिट का मान लेते हैं। तो पी और क्यू दोनों मिलके 20 दिन में काम समाप्त करते हैं, मतलब रोज कितना काम करते होंगे? 60/20, यानी कि 3 यूनिट काम करते होंगे, ठीक है? इसी प्रकार से Q और R 15 दिनों में काम समाप्त करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करते होंगे? 4 यूनिट करते होंगे। और P और R की बात अगर आप देखें तो ये 12 से भाग दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो तुम्हें पता लग गया कि तीनों लोग कैसे कैसे काम करते हैं, इनको ऐड कर दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? पी क्यू आर आ गया तुम्हारे पास, कितना आ गया इधर? 12 आ गया, क्या 12 आ गया, यानी पी क्यू आर का मान तुम्हें कितना मिल गया? 6 मिल गया, ठीक है? तो पी प्लस क्यू प्लस आर 6 यूनिट हो गया। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, क्यों? क्योंकि तुम्हें पी प्लस क्यू प्लस आर अगर 6 मिल गया है बेटा, तो पी प्लस क्यू का मान तुम्हें 3 मालूम है, तो आर कितना आ गया? 3 आ गया।